तो दोस्तों अदानी गैस ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से फिर से वही डिविडेंड दिया गया जो हर बार कंपनी देते आ रही है। 25 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका रिकॉर्ड डेट जो होने वाला है वो होने वाला है 14 जून। तो याद रखिए 14 जून कंपनी का रिकॉर्ड डेट है 25 पैसे कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा क्रॉस में। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1244 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था, पिछले साल 1197 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1258 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको देखने नहीं मिल रहा है, ऑलमोस्ट बोल सकते 1% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन साल दर साल देखें तो 5% की एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही। मैं आपको बता दूं कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में क्या है। कंपनी के खर्चे 1025 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1065 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1048 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी थोड़ा सा हाई है इस क्वार्टर में, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि साल दर साल देखें सॉरी क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का हल्का सा बढ़ा है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 176 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 98 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 168 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, ऑलमोस्ट 70% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। जी हाँ, एक हल्की सी गिरावट है, ऑलमोस्ट बोल सकते 5% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1.61 रुपये के आसपास, पिछले साल 90 पैसे के आसपास, अभी देखें तो 1.53 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी के नंबर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं देख रहे, बेसिकली मार्केट एक्सपेक्टेशन भी इस नंबर के साथ कुछ थी नहीं, क्योंकि किसी ब्रोकर के साथ कोई रिपोर्ट निकाला नहीं गया इस कंपनी के नंबर के ऊपर, तो कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। लेकिन ऊपर से अगर रेवेन्यू देखें तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी कंपनी के लिए रेवेन्यू, और रेवेन्यू देखें तो उतना कंफर्टेबल आपको अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से शेयर के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से नॉर्मल टाइप के नंबर आपको देखने को मिले। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।